चैनल में हूँ इंडियन ब्लॉगर कमलेश दादी और दादीज फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्वीट सी डिश जो कि काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होती है क्योंकि इसमें फ्रूट डाले जाते हैं, इसलिए इसका नाम कस्टर्ड फ्रूट है। कस्टर्ड पाउडर और फ्रूट से मिक्स करके ये रेसिपी मैं बनाऊँगी। तो मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध और मैंने उसको बड़े बर्तन में निकाल लिया है और अब मैं इसको एक बॉयल आने तक ऐसे ही चलाती रहूँगी ताकि दूध हमारा तली को लगे नहीं। और जब दूध अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी चीनी की। चीनी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हो, किसी को कम मीठा पसंद होता है, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, तो वो आप अपने मेंबर के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। और ये इसी बीच मैंने फ्रूट काट लिए थे तो मैंने एक बड़े साइज का एप्पल लिया है। ये कस्टर्ड पाउडर है जो कि अभी दूध में मिक्स करेंगे और अनार के दाने हैं, इलायची का पाउडर और 2 बनाना, इनको सबको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और ये कस्टर्ड पाउडर है जो कि दूध में मिक्स करूंगी और ये दूध मैंने ठंडा लिया है, गरम नहीं लेना है दूध। अगर आप गरम दूध में कस्टर्ड पाउडर मिला दोगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे और लम्स पड़ने के कारण फिर जो हमारा कस्टर्ड फ्रूट है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो मैंने इसमें करीब 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद में मैं इसको उबलते हुए दूध में धीरे धीरे करके डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी। तो मैंने 1 चम्मच भर लिया है और अब मैं इसमें दूध में धीरे धीरे डाल दूंगी और फिर चम्मच की सहायता से इसको मिक्स कर दूंगी और इसी प्रकार से फिर से मैं वापस से डालूंगी। और ये थोड़ा सा बचा हुआ मैंने लास्ट में डाल दिया है और इसको मैं दूध को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूध में उबाल आ चुका है, दूध हमारा टाइट हो चुका है और अब मैं इस स्टेज पर डाल दूंगी इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर किसी को पसंद हो तो डालिए, नहीं पसंद हो तो मत डालिए। और उसके बाद में इलायची पाउडर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और मिक्स करने के बाद में मैं इसको 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी, बाहर ही रख दूंगी और ठंडा कर लूंगी। उसके बाद में मैंने फिर इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ये बिल्कुल चिल्ड हो चुका है। उसके बाद में ही हमें इसमें फ्रूट ऐड करना है। ध्यान रखिए गाइस, गर्म दूध में बिल्कुल भी फ्रूट को ऐड नहीं करना है, नहीं तो फ्रूट हमारे पानी छोड़ देंगे और ये सारा कस्टर्ड फ्रूट है ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने अब डाल दिया है इसमें कटी हुई एप्पल और एप्पल को मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद में फिर मैं डालूँगी अनार के दाने। और अनार के दाने डालने के बाद मैं डालूँगी कटे हुए केले, 2 केले लिए थे मैंने, उनको बारीक बारीक कट कर लिया है तो ये भी मैं डाल दूँगी और इन सारे फ्रूट को मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आप इसमें और भी फ्रूट ऐड कर सकते हो जैसे कि ग्रेप्स हो गई, कीवी हो गई, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट लेकिन अभी फ़िलहाल यही अवेलेबल थे मार्केट में तो मैंने यही डाल दिया है। और ध्यान रखिए गाइस, पानी वाले फ्रूट नहीं डालना है जैसे कि ऑरेंज, पपीता, वाटरमेलन, यही ये बस ये खास ध्यान रखना है। तो गाइस मैंने ले लिया है ये 1 बाउल और मैं इसमें डालने जा रही हूँ कस्टर्ड फ्रूट। कस्टर्ड फ्रूट डालने के बाद में मैं इसको डेकोरेट करूँगी पिस्ता और केसर से। आप चाहो तो काजू, बादाम, किशमिश, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट, तो आप उस पर डालकर डेकोरेट कर सकते हो। मैंने इसमें पिस्ता और केसर से डेकोरेट किया है और ये देखने में काफ़ी यम्मी लग रहा है, तो आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि गाइज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।